राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया मुकाबला काफी ज्यादा एक तरफ रहा। लोगों को उम्मीद थी कि यह मुकाबला हाई स्कोरिंग रहेगा, लेकिन धोनी की चालाक कप्तानी के चलते राजस्थान की टीम ने अपने घुटने टेक दिए। तो वही हार के बाद कप्तान संजू ने धोनी को लेकर चौंका देने वाला खुलासा किया। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में, लेकिन अगर आप भी धोनी के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह करो या मरो की स्थिति वाला मुकाबला जब शुरू हुआ, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, लेकिन यह फैसला पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ क्योंकि धोनी ने शुरुआत से ही राजस्थान के बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में जकड़ दिया, बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया। यही कारण था कि धीमी शुरुआत हुई। जायसवाल 21 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद बटलर ने तो 25 गेंद में 21 रन ही बनाए। कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेलतेगा, इसके बावजूद अंत तक बल्लेबाजी होती रही और टीम 141 रन के स्कोर तक ही पहुंच पाई। उसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की शुरुआत धाकड़ रही। रविंद्र ने भरपूर पावर प्ले का फायदा उठाते हुए 50 के पार टीम का स्कोर पहुंचा दिया था। रविंद्र 18 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन शानदार बल्लेबाजी गायकवाड़ और मिचेल ने करी और टीम को 100 के नजदीक पहुंचा दिया। और उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बड़ी ही आसानी से चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली। तो हार के बाद खुद कप्तान संजू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मुकाबले में हमारी बल्लेबाजी बिल्कुल शर्मनाक रही, इस बात को हमें कबूल ना होगा क्योंकि हमारे बल्लेबाजों के ऊपर शुरुआत से ही दबाव देखा गया और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि धोनी भाई की खतरनाक कप्तानी थी। उन्होंने शुरुआत से ही चक्रव्यूह सेट कर दिया था, किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। गेंदबाजी में तब्दीलियां करी, फील्डिंग अपने अनुसार सेट करी और उसका यह परिणाम रहा कि हमारी टीम के सभी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। धोनी सर को इतना ज्यादा टैलेंटेड शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी बहुत है। वह बखूबी जानते हैं कौन सा खिलाड़ी किस तरह से आउट होगा और कैसे किस खिलाड़ी को रोकना है। यह धोनी सर का षड्यंत्र था जिसकी वजह से हमारे बल्लेबाज बड़े स्कोर बनाने में कामयाब नहीं होता कि और चेन्नई के टीम में बड़ी ही आसानी से इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली। धोनी सर जी टीम का भी हिस्सा हूं, उसे टीम को हराना नामुमकिन हो जाता है, यह बात मुझे पता चल गई है, मैं तो आज भी उनका चेला ही हूं। इस तरह से कप्तान संजू ने धोनी को लेकर अपनी बात कही। लेकिन आप सभी धोनी की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।